हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गूगल मैप में हम अपना नाम, अपना दुकान का नाम, अपना मकान का नाम किस तरह से ऐड कर सकते हैं ताकि कोई भी सर्च करे तो आसानी से मिल जाए। ठीक है, नाम वगैरह ऐड करेंगे या तो फ़ोटो वगैरह डालेंगे या तो नंबर वगैरह, सारा चीज़ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गूगल मैप को ओपन करेंगे, जिसमें आपको पहले नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद हम लोग गूगल मैप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना लोकेशन को ऑन कर देंगे। अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो लोकेशन जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस जगह पर हम लोग देख लेंगे। अगर इसको हम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग सीधा जाके सेटेलाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो भी आपका मकान है, दुकान है, वो इजीली दिख जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्या करना है हमको, इस जगह पे नाम डालना है। इस जगह पे जो भी नाम डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग नीचे आएंगे। नीचे पर आपको चार पाँच ऑप्शन मिलेगा, तो जिसमें से फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट, जिसमें प्लस का निशान है। तो उस पर हम लोग प्लस करेंगे, मतलब ऐड करना है ऐड का निशान पर। उसके बाद क्या करना है, एडिट मैप है, फिर एडिट प्लेस है सेकेंड नंबर, फिर यहाँ पे एडिट प्लेस करना है, सॉरी ऐड प्लेस करना है। तो ऐड प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, ऐड प्लेस पे जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको डिटेल डालना पड़ेगा, जो भी शॉप का नाम है या दुकान का नाम है। तो जैसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज दैट मेरा कि यूके शॉप, जो भी आपका स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह है, सारा आप नाम डाल सकते हैं, घर वगैरह है। ठीक है, यूके हाउस, यूके शॉप, जो भी अपना नाम से डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी देख लेंगे, तो कैटेगरी किसका है, बहुत सारा कैटेगरी का भी ऑप्शन देगा, सारा कैटेगरी का। तो जैसे मेरा शॉपिंग का है तो शॉपिंग का दे दिए, क्या वो कौन सा शॉप है, तो मान ली सपोज दैट मेरा बुक शॉप है तो बुक शॉप दे दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, तो एड्रेस को थोड़ा डिटेल डालिएगा कि ताकि वो सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, चलिए एड्रेस डाल दिए। एड्रेस डालने के बाद क्या करना है कि एडिट मैप लोकेशन जो है वहाँ पर हमको जाकर टच करना है। तो जैसे एडिट मैप लोकेशन पर हम लोग टच कर दिए, तो अब यहाँ पर ये जो रेड वाला टिक है, रेड जो डॉट है, इसको हम लोग को अपना लोकेशन पे ले जाना है। तो हम अपना लोकेशन देख लेंगे कहाँ पर मेरा लोकेशन है। ब्लू कलर का टिक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जहाँ पर भी लोकेशन है। देखिए यहाँ पे अभी हम मेरा लोकेशन है इस जगह पे, जैसे ब्लू कलर का डॉट जो है यहाँ पे लोकेशन थी, इसको हम लोग जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद हम लोग देख लेंगे कहाँ पर है। देखिए जैसे हम अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो इस जगह पर आएंगे। इस जगह पर आकर अब हम इसको ओके कर देंगे। ऊपर में जाइएगा, राइट साइड पर ओके लिखा हुआ है, उस पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है कि अब नीचे आ लाना है, लोकेटेड विद इन, यहाँ पे कुछ डालना है तो लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या आवर लिख सकते हैं, कौन सा कितना आवर हो रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, वेबसाइट अपना कुछ बनाया है तो वो डाल सकते हैं, अबाउट में कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे के। ठीक है, उसके बाद फोटो लगा सकते हैं, ऐड फोटो पे जाके, तो ये सब सारा कर आप कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमको ये सब नहीं करना है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देना। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद वो जो ऐड किए हैं हम लोग नाम वगैरह, वो सारा कुछ वहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब इसको अपडेट होने में आपको 12 घंटा लगेगा, या तो 12 से 24 घंटा भी लग सकता है, मतलब विद इन 24 आवर्स में आपका हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर हम लोग को देखना है कि वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जहाँ पे आपका पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे टच करेंगे। राइट साइड में टच करने के बाद क्या करना है, योर प्रोफाइल में जाना है। योर प्रोफाइल में जाने के बाद हमको एडिट के ऑप्शन में जाना, तो एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। एडिट के ऑप्शन में देखिए पहला जो ऑप्शन है यूके शॉप, अब इसी जगह को हम लोग एडिट किए, ऐड किए, तो ये आपका आ गया। दूसरा हम लोग किए थे ये वाला, तीसरा ये, कि इस तरह आप जितना भी लोकेशन को ऐड करेंगे उतना यहाँ पर आते जाएगा। और ये जो है आपका 24 घंटा के अंदर ही आपका वहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आप सर्च करके देख सकते हैं, इस जगह पे आपका जो भी आप ऐड करेंगे नाम वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।